हनी बर्थडे 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 किसकी बर्थडे थी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली वेलकम बैक टू द चैनल। एक महीने बाद आज ये कैमरा मैं हाथ में पकड़ के बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, क्योंकि मैं कुछ बिजी हो गया था यार। खुद मैंने अपनी लाइफ को बिजी कर दिया था, वो मैं बताता हूँ। पहले ये चेक करो कि बाल मेरे गिरना शुरू हो गए थे, तो इस वजह से मैंने इनको जाने दिया। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे ये, मैंने एकदम ही इनको गायब कर दिया है। बिल्कुल जीरो तो नहीं किए थे, लेकिन दो नंबर मशीन शायद, हाँ दो नंबर मशीन मैंने मरवाई थी और अभी तक बाल नहीं आए। टाइम लगेगा, अभी एक दो महीने और लग जाएंगे और साल में मैं एक बार ये वाला हेयर स्टाइल लाजिम करता हूँ। पिछले साल भी मैंने करवाया था। तो पिछले एक महीने से कैमरे को हाथ ना लगाने की वजूहत तो एक दो और भी थी, लेकिन जो मेन वजह थी ना वो ये वजह है। इस कवर के अंदर एक बाइक है जो कि मेरी न्यू बाइक है। इट्स माय न्यू वी रोड मसल। आज से पहले जो मेरे पास बाइक है वो है वी रोड नाइट रोड, तो वो वी रोड नाइट रोड स्पेशल है, लेकिन ये जो है ये वी रोड मसल है। इसका रियर टायर हमने चेंज किया है और टायर हमने वाइड लगाया है। पहले जो इसमें स्टॉक टायर आता है जो मेरी नाइट रोड में भी है वो है 240, ये जो है ये 260 है। और जो इसके फ्रंट का काम है वो पूरे का पूरा इसका फ्रंट खुला हुआ है, टायर रिम पे इंस्टॉल हो चुका है। फ्रंट में हम मिचलिन लगाएंगे और फ्रंट का इसका हैंडल बार कहाँ पे है, हैंडल बार इसका इधर पड़ा हुआ है। तो वी रोड का हैंडल बार कुछ ऐसा ही लगता है। ये कवर मैंने उतार दिया है क्योंकि इसको हम पेंट करेंगे ब्लैक। ये इसका रियर फोर्क है। तो बाइक की अभी जो कंडीशन है वो ये है। अभी हम वेट कर रहे हैं कुछ टूल्स का, क्योंकि हमने इसके स्टेयरिंग बैरिंग चेंज करने थे। तो यहाँ पे इसके ये इसका हेड बैरिंग है, इसके जो रेस है वो निकल नहीं रही। कटिंग करके हम ट्राई कर चुके हैं लेकिन नहीं निकल रही। तो अभी बस उस टूल का वेट है। टूल अगर आ जाएगा तो फिर ये एक दिन का ही काम है कि इसकी जो दोनों रेसें हैं वो निकल जाएंगी और न्यू बैरिंग हम डाल देंगे और फिर इसका स्टेयरिंग ओके हो जाएगा। जब मैंने बाइक खरीदी थी तब इस बाइक का स्टेयरिंग काम नहीं कर रहा था, स्टेयरिंग जाम हुआ हुआ था, क्योंकि पिछले 3 साल से ये बाइक एक जगह पर ही खड़ी थी। तो 3 साल किसी भी चीज़ को आप एक जगह पर खड़ी कर दो तो वो सेम इस हालत में हो जाएगी। यही सवाल होगा कि पहले एक नाइट रोड है वी रोड सीरीज की, तो वी रोड मसल क्यों? क्योंकि वी रोड जो भी है, वी रोड मसल हो या वी रोड नाइट रोड हो, ये लिमिटेड एडिशन बाइक है। 2017 में लास्ट मॉडल आया था इसका। 2017 के बाद हार्ली ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये बाइक एक लिमिटेड है। और माही भाई अभी यहाँ पे फिट फार, ये पूरी प्लेट खड़पने के बाद भाई ये दो बंदों की थी, ये मेरे लिए भी था, तूने पूरा खा लिया। मैंने कहा आदत तूने भी खाया है। अच्छा, दो बाइट लिए मैंने सिर्फ। ये वही सच नहीं है। तो अभी तो दोपहर का टाइम है इसलिए अभी यहाँ पे कुछ हम इसका काम कर नहीं रहे, वरना हर रोज रात को कुछ इस तरह वाला सीन होता है। तो हमारे यूनुस भाई लेके आ चुके हैं बर्गर फ्रेश फ्रेश। यूनुस तुझे क्या लगता है इस बाइक का काम कितनी देर में होगा कंप्लीट? कितने महीने और लगेंगे हमें? एक महीना और। एक महीना? तो अभी तक की जो सिचुएशन है, आज 20 मार्च, राइट? 20 मार्च को आज पहला काम फाइनली हो चुका है कि रियर टायर हमने लगा दिया है। ये वीडियो क्लिप मैंने बनाया था, यूनुस भी आया हुआ था। यूनुस भी यहीं पे होता है और अजहर भी यहीं पे होता है। वैसे स्मार्ट खोलने का काम इतना आसान था कि मेरे भाई ने एक ही दिन में खोल दी पूरी बाइक। तो रातों रात हमने ये बाइक पूरी खोल के रख दी थी यार। खोलना ईजी था, अब बंद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। ये बाइक का आप लोग रोड पे देखेंगे इंशाल्लाह। हेलो जी, शाम के बज चुके हैं 5। घर से हम निकले थे 3 बजे। एक घंटा तो हमें लगा मस्कत पहुंचने में, लेकिन पूरा एक घंटा हम कहां गायब थे। हम यहां पे एक चीज़ कर रहे थे चेक, और वो चीज़ हो गई चेक। शायद वो चीज़ ख़रीद ली जाएगी, शायद नहीं ख़रीदी जाएगी। क्या बोलूं मैंने अपनी ऑफ़र दे दिया उसको। माही को मेरी ऑफ़र पसंद नहीं आई। माही ने कहा ऑफ़र थोड़ी बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं बढ़ानी नहीं है। तो माही, क्या वो हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? और ये सिग्नल हो चुका है बंद और गाड़ी हमारी अभी तक बीच में ही है, तो कहीं कैमरा ही ना पड़ जाए यार, पता नहीं क्या होगा। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, बट अभी फिलहाल हम आए हैं सिटी सेंटर में एंड वी हैव अ मूवी प्लान आफ्टर लॉन्ग टाइम।
मूवी तो हम देख के आ चुके हैं और मूवी ठीक थी, नॉट बैड, लेकिन मेरा जो माइंड था ना वो बस उस चीज़ पे था मूवी देखते हुए, इसको मूवी अच्छी लगी है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं बास्किन रॉबिन केक लेने के लिए, क्योंकि आज ना आज अली की बर्थडे है। 26 मार्च को अली हमारी ज़िंदगी में आया था और बस अली आते ही छा गया। तो अभी मसला ये हो गया कि जो केक है बास्किन रॉबिन का, ये फुल आइसक्रीम केक है, तो ये आइसक्रीम पिघलने का खतरा है, तो हमें जल्द अज़ जल्द घर पहुँचना पड़ेगा अगर हमने अली को खिलाना है। तो अली को मज़ा आएगा, कन्फर्म पिघल जाएगा, पक्का नहीं पिघलेगा यार, लग तो नहीं रहा कि इतनी जल्दी पिघलेगा, देखते हैं फिर, लेकिन जल्दी जल्दी पहुंचते हैं घर भाई। बर्थडे तो हो गई, केक भी कट गया, केक खा भी लिया गया, आइसक्रीम केक था और इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई है ना मैंने यार, वहाँ से घर तक 15-20 मिनट का रास्ता है लेकिन हम पहुँचे 10 मिनट में। तो केक फाइनली सेफली घर पहुँचा, कटा, बर्थडे सेलिब्रेट हो गई एंड अभी बस इनकी पार्टी चल रही है यहाँ पे और सब अपनी गाड़ियों में बिजी हैं बस। भाई तेरी बर्थडे कब है? मेरी अगले साल, आई मीन अगले महीने। अगले महीने? हाँ। वाह ब्रो, कांग्रेचुलेशंस। मस्त बात हुई। हाँ। 26 है ना मेरी, नेक्स्ट मंथ 27 है। हाँ। हाँ। तू कौन सा केक लाएगा? हाँ? केक कौन सा लाएगा? मैं मक्का से जाऊंगा। बड़ा बास्किन रॉबिन मुझे पसंद नहीं आया, शुगर बहुत ज्यादा। तो भाई लोग पार्टी तो हो चुकी है और इस बच्चे ने ना केक हड़पने के बाद जो मट्टी के साथ नहाया भी है अभी बाहर जाके, अभी बड़ी मुश्किल से इसको वापस लेके आए। ये इसकी सेकंड बर्थडे थी लेकिन ये जो है ना ये दिन ब दिन बड़ा हो रहा है और दिन ब दिन मस्तियां करना शुरू हो चुका है। ओके अब ये कैमरा इसने बस उठाना है जाके। बेटा अली बर्थडे, बर्थडे किसकी बर्थडे थी? ओ बस अच्छा अच्छा बस हां जी मैं हूं चलने वाली हूं। अच्छा बस 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 ओके 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 दौरा पड़ चुका है तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कैमरा गिरने वाला है क्योंकि ये यहां पे है। ओके